हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियम। आप देख रहे हो क्रेजी प्रियम। सबसे पहले स्वागत कर लेता हूँ आप में से सभी व्यूअर्स को आज का एक वाले वीडियो में। चलिए देख लेते हैं आज के लिए हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है एंड क्या नए चीजें के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। नया तो नहीं है, कुछ ऐसा घिसा पिटा टॉपिक है, बट उसके बारे में आप लोग असली सच जो है ये नहीं जानते थे। सो विदाउट एनी स्क्रिप्ट आई एम डायरेक्टली गोइंग टू टेल व्हाट इज द ओरिजिनल ट्रुथ अबाउट द व्हाट्सएप्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ 2021। क्या जरूरत पड़ गई व्हाट्सएप को कि अपना प्राइवेसी पॉलिसी को ऐसे पब्लिक में लाने का, ऐसे चेंज कर देने का। और ऐसा भी ये डिसीजन है कि व्हाट्सएप का जो रैंकिंग था प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में, तो वो पहले फर्स्ट नंबर पे था, अभी 4-5 में आ रहा है। तो ये वाला क्यों हो रहा है? तो देखो, मतलब लोगों के अंदर ये वाला गलत फहमी है कि व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी पॉलिसीज है वो सही नहीं है, व्हाट्सएप आपका डेटा बेच रहा है। देखो अब क्या है, अपना डेटा, आपका जो डेटा है उस डेटा का कितना ज्यादा प्राइस है इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरा डेटा, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं करता, तो मेरा डेटा कैसे ऐसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बट आपका डेटा कोई अमेजन जैसे ब्रांड के लिए या फिर कोई फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड के लिए, कोई शॉपक्लूज, कोई स्नैपडील जैसे ब्रांड के लिए या फिर कोई बायजूस और भी काफी ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके लिए आपका डेटा काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। अब ये कैसे, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे का वीडियो में जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। तो देख लेते हैं आपका जो मेन जो मुद्दा है वो क्या है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो व्हाट्सएप के जो प्राइवेसी पॉलिसीज है वो क्यों है। सो आपका जो व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसीज है उनमें दो ऐसे मेन प्राइवेसी पॉलिसीज है जिनके बारे में हम लोगों को ध्यान देना है। तो आप लोकेशन ऑन रखते हो या ऑफ, व्हाट्सएप आपका लोकेशन 24/7 लेती रहेगी। अब व्हाट्सएप आपकी जो लोकेशन है ये क्यों लेगी, इसके बारे में अगर आप जानते हैं फिर आप इस वीडियो में क्लिक नहीं करते। तो WhatsApp का जो प्राइवेसी पॉलिसीज है 2021 में, इसमें आपको कहा गया है कि आपका लोकेशन आपसे 24 घंटा लिया जाएगा। अब WhatsApp क्यों लेगा? देखिए, आप कभी भी WhatsApp में किसी के बारे में रिपोर्ट करते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट है आपके लिस्ट में जो कि आपके साथ, मतलब आपको पसंद नहीं हो कॉन्टैक्ट, उसको ब्लॉक करने के सिवाय आप उनको रिपोर्ट करना चाहते हो कि आपको, मतलब इस बंदे से बात नहीं करनी एंड इस बंदे कुछ गलत कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी ऐसे उससे गलत कुछ इंटेंशन है, जैसे कोई कुछ फ्रॉड चीजें कर रहे हैं, जैसे कोई सामान बेच रहा है, जैसे फेसबुक में भी सामान बेचा जाता है, अब व्हाट्सएप में भी सामान बेच रहा है एंड आप उसे सामान खरीदते हो, अब आप उसको एडवांस में सारा पेमेंट दे दिए एंड वो आपके घर में कुछ भी डिलीवर नहीं होता। तो ऐसे कुछ फ्रॉड्स होते रहते हैं व्हाट्सएप में, जो कि अब व्हाट्सएप काफी ज्यादा इसके ऊपर स्टेप लेना चाहती है। एंड व्हाट्सएप कैसे स्टेप लेगा, वो तो एप्लीकेशन है, तो अभी एप्लीकेशन के द्वारा कैसे किया जाएगा, बट अभी व्हाट्सएप इज ट्राइंग टू मेक दैट पॉसिबल। तो ये जो लोकेशन है ये है, मतलब दोनों चीजें के लिए, एक है व्हाट्सएप पे जो कि अभी कोई भी यूज नहीं करता है, क्योंकि गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे और भी काफी ज्यादा पेमेंट का ऑप्शन है यूपीआई से, तो व्हाट्सएप कोई भी मतलब यूज अभी तक नहीं करता, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन, मतलब 90% यूजर्स नहीं करते, 98% लोगों भी नहीं करते, तो उसके बारे में बात नहीं करते। और हाँ, व्हाट्सएप पे के लिए लोकेशन आपका मनता है और ये वाला आपका दूसरा पेमेंट ऐप्स भी ले लेती है, कब, कहाँ, किस लिए, कौन सी जगह और कौन पेमेंट कर रहा है, तो ठीक है इसके बारे में बात नहीं करते। अब देखो, आप जब रिपोर्ट करते हो आपका कोई भी कॉन्टैक्ट को, तब देखो व्हाट्सएप को क्या करना होता है, व्हाट्सएप स्टेप्स लेती है। अब देखो व्हाट्सएप पहले कोई भी स्टेप्स ऐसे नहीं लेती, क्योंकि बहुत लोग ऐसे इंटेंशनली किसी का कॉन्टैक्ट ऐसे बंद करवाने के लिए ऐसे स्टेप्स लेती है। तो व्हाट्सएप क्या करती है, अगर आपको किसी को ओरिजिनली रिपोर्ट करना होता है तो आपको व्हाट्सएप को मेल करना होता है। अब व्हाट्सएप को जितना भी मेल करने का प्रोसेस है या आपका व्हाट्सएप का जो सेटिंग्स है वहाँ प्राइवेसी का सेक्शन में आपको मिल जाते हैं, तो उसके आप अपने आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूं तो आप डेफिनेटली कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो हाँ, तो देखो आप जब मेल करते हो व्हाट्सएप को कि मेरे साथ ये वाला स्कैम हो चुका है, ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं मेरे साथ, तो अब क्या होता है कि व्हाट्सएप को लेनी होती है स्टेप, और
आप अगर पुलिस के पास भी जाते हो तो पुलिस को भी लेनी होती है स्टेप्स। तो पुलिस पहले ये पूछेगी कि वो बंदा किधर था एंड किस तरीके से आपने उसके साथ कम्युनिकेट किया। तो जब आप बोलोगे व्हाट्सएप तो वो डेफिनेटली आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अथॉरिटीज है, वो डेफिनेटली व्हाट्सएप के पास जाएगी उसकी लोकेशन को ट्रेस करवाने के लिए। तो देखो अब जहां बात आती है व्हाट्सएप आपकी लोकेशन को ट्रेस करेगी, तो व्हाट्सएप कैसे करेगी? तो दैट इज वेयर वी गेट टू द पॉइंट कि व्हाट्सएप आपकी लोकेशन 24 घंटा इसीलिए लेगी कि क्योंकि जब आप किसी को ऐसे फ्रॉड करते हो, अब व्हाट्सएप को तो नहीं पता कि कौन फ्रॉड करने वाला है, कौन फ्रॉड या इंसान है, तो इसीलिए व्हाट्सएप सभी का ही ले रही है। अब किसी के बारे में कोई भी नंबर के बारे में ऐसे स्पेसिफिक कंप्लेन आया तो व्हाट्सएप उसको निकाल देगी। अब देखो अब क्या होता है कि व्हाट्सएप की यहाँ कोई गलती नहीं है तो व्हाट्सएप क्यों करेगी? और ऐसा ही है कि रिपोर्ट करने पे व्हाट्सएप आपका अकाउंट को बंद करवा सकते हैं फुल जिंदगी के लिए। तो देखो ऐसा ही कुछ मात्रा है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट भी हो सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन। ये बात व्हाट्सएप इसी वजह से ही कहा है और कोई भी वजह नहीं है, इतना ज्यादा मतलब जलेबी की तरह सीधा चीज है ये। तो ठीक है ये वाला तो था पहला पॉइंट। अब देखो एक मतलब कोई भी प्रूफ के अलावा ऐसे कहा जा रहा है और जो भी प्रूफ दिखा रहा है वो बिल्कुल भी झूठ है। तो देखो कोई भी प्रूफ के अलावा ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर जो चैट्स है वो आजकल गूगल के सर्च में दिखने वाली है या फिर दिख रही है। अगर एक भी दिखा सकते हो ओरिजिनल जेन्युइन वाली तो मैं मान जाऊंगा। देखो व्हाट्सएप की जो चैट्स है वो कभी भी लीक नहीं हो सकती, व्हाट्सएप ने खुल के बताया। आपको अगर नहीं पता तो आप कोई भी आपका जो चैट्स में है कोई भी कॉन्टेक्ट उठा के देखिए, एकदम सबसे ऊपर चले जाइए, देखिए कि लिखा है मैसेजेस एंड चैट्स आर इनक्रिप्टेड आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ऐसे ऐसे करके लिखा गया है। एंड इसके साथ भी एक और पॉइंट को जुड़ी गई है कि व्हाट्सएप का कोई बंदा भी इसको रीड नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप आपकी चैट को ले सकती है और कभी भी रीड नहीं करती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। व्हाट्सएप सिर्फ आपके चैट को रीड नहीं करती है तो व्हाट्सएप आपकी चैट को क्यों लेती है? देखो जब आप किसी को कुछ भी मैसेज करते हो तो वो क्या होता है, जब तक वो ऑनलाइन नहीं होता, वो उसके फोन में नहीं जाता, तब तक व्हाट्सएप को वो मैसेज अपना स्टोर में रखना पड़ता है। जब इसका ऑनलाइन होता है तब ये डालना पड़ता है उसके फोन में, जब आपका फ्रेंड ऑनलाइन होता है। तो देखो यहाँ जब तक ये स्टोर में है, मतलब व्हाट्सएप का जो स्टोरेज है इसमें है, तो तब तक व्हाट्सएप कभी भी इसको रीड नहीं करेगी क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन है, एक ऐसा इंक्रिप्शन जिसमें एक ताला लगाया गया है, ताला का मतलब एक लॉक लगाया गया है जो कि आपके फोन से कोड होके जाते हैं एंड आपके दोस्त के फोन पे जाके डीकोड होती है। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी इसको खोल के नहीं देख सकता आप दोनों के बीच में, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है व्हाट्सएप में। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब देखो बात आती है मैसेजेस के बारे में, फोटोज, तो फोटोज मैसेजेस के बिल्कुल बाद ही आता है। तो फोटोज आपका जो लिंक होता है वो फोटोज एक्चुअली में आपका जो एड्स है उन एड्स को दिखाने के लिए होती है। तो एक पॉइंट मैंने पहले मिस कर दिया था, वो अभी बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप जो आपके चैट्स को पढ़ लेती है एंड कुछ लोग बताते हैं कि गूगल की सर्च में आपकी चैट्स को दिखता है। अब गूगल की चैट्स में आपको जो भी चैट्स अगर दिखता भी है तो वो कैसे दिखता है पता है? एक स्क्रीनशॉट ऑफ चैट, चैट का स्क्रीनशॉट जो कि सिर्फ वो जिसके चैट है वही बंदा उठा सकते हैं चैट। ये एकदम बिल्कुल भी हंसने वाली बात है कि चैट का स्क्रीनशॉट उठ जाएगी, मतलब चैट का जो स्क्रीनशॉट है एक पर्टिकुलर छोटा सा स्क्रीनशॉट ऐसे व्हाट्सएप में दिख जाएगी, ऐसे मतलब ऐसे गूगल में दिख जाएगी जो कि व्हाट्सएप से है, वो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है बट व्हाट्सएप ने उसको लीक नहीं किया, वो कोई और ही बंदा ने लीक किया जो कि उस स्क्रीनशॉट का मालिक है, जिसका फोन से वो स्क्रीनशॉट लिया गया है। अब देखो व्हाट्सएप अगर कोई भी चैट को लीक करके, यहाँ ये हम लोग कर सकते हैं, मतलब अगर आपने थोड़ा भी हैकिंग सीख लिया तो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप का जो चैट्स है इसको निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो ऐसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नहीं आएगी, ये फुल आ जाती है, फुल एकदम फुल चैट का जो मतलब जो हिस्ट्री है पूरा आपका जिंदगी भर का चैट्स ऐसे आ जाती है एक मतलब फाइल के फॉर्मेट में, ये जिप फाइल के फॉर्मेट में होती है ज्यादातर, मैंने ऐसे देखा है। तो ऐसे फाइल के फॉर्मेट में आता है एंड फुल चैट होते हैं, ऐसे स्वाइप करोगे 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 खत्म ही नहीं होगी। अगर आपका कोई करीबी दोस्त है जिसके साथ आप
24 घंटा चिपका रहता है तो ऐसे एकदम लंबा से एक फाइल खुल जाएगी। देखो अब ऐसे तो मतलब होता ही है, मतलब सब लोग ही इतना ज्यादा चैट करते तो इसके बारे में बात नहीं करते, तो ऐसा एक फाइल बन के आ जाती है। नहीं ऐसे होता है कि थोड़ा सा एकदम पोर्शन का स्क्रीनशॉट ऐसे गूगल में आ जाते हैं। अब रही बात व्हाट्सएप आपकी फोटोज को कैसे लेती है, व्हाट्सएप आपकी फोटोज को बेचती है। देखो फेसबुक एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बिजनेस कंपनी है एंड ये कभी भी नहीं चाहता कि अपना नुकसान अरबों खरबों में व्हाट्सएप को खरीद लिया एंड उसके बाद फेसबुक को कोई भी ऐसे ऐसे खाली से ऐसे पॉकेट को रखा है तो कोई भी फायदा नहीं है। देखो एकदम खाली पॉकेट है, नहीं मेरा थोड़ा सा कुछ है तो छोड़ो। तो ऐसे फेसबुक कभी नहीं करेगी, तो फेसबुक के किस लिए व्हाट्सएप को खरीदा। अब इससे 10 गुना मतलब 10 गुना या फिर ₹100 प्रॉफिट ₹100 करवाने के लिए। तो देखो ऐसे प्रॉफिट ₹100 कैसे हो रही है, तो इस वाले कंडीशन में फेसबुक क्या कर रही है, फेसबुक व्हाट्सएप से जो भी आपका फोटोज है उन फोटोज को निकाल रही है। अब इन फोटोज को कोई की भी रीड नहीं कर रहे, इन फोटोज में से आप मतलब ये कंप्यूटर द्वारा रीड कर रहे, कोई भी बंदा आपका फोटोज कैसे नहीं झांक सकता। ये आपका प्राइवेसी को मतलब कंप्लीटली रिस्पेक्ट करती है व्हाट्सएप। तो देखो आपका जो फोटो है ये फोटो ऐसे मतलब वेब में जैसे गूगल लेंस होता है वैसे ही उनका भी एक वैसा ही सॉफ्टवेयर है जिससे वो स्कैन होती है एंड उस फोटो में अगर कोई प्रोडक्ट है या फिर अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरा 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 कुछ भी नहीं, हाँ जैसे मेरा ये जो टैब है ये टैबलेट जैसे कि लिनोवो टैबलेट 410 है और इसका प्राइसिंग वगैरह आप देख सकते हैं अमेजोन पे, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये जो टैब है अगर मैं इस टैब का फोटो खींच के या फिर मेरा वॉच का फोटो खींच के अगर किसी को भेज देता हो तो उस बंदे को भी मतलब इच्छा होती है कि ये हम भी ट्राई करके देखे। तो अगर वो ट्राई करने की कोशिश करेगा या फिर ट्राई करने की सोचेगा तो कुछ देर बाद वो खुद ही देख लेगा कि अगर वो फेसबुक में झांक रहा है मतलब फेसबुक चला रहा है तो स्वाइप अप करते करते जो एड आती है उसी वाला प्रोडक्ट का आ जाता है। अब यहाँ क्या करती है व्हाट्सएप जो है इस मतलब ये फेसबुक ही हुआ, ये डेटा आपका जो फोटो है इस फोटो को स्कैन करती है, जो भी प्रोडक्ट है इन प्रोडक्ट्स का जो मतलब सेलर है मतलब इन प्रोडक्ट्स को जो लोग बेचते हैं उन लोगों के पास ये प्रोडक्ट का नाम सेंड करते हैं। मतलब जैसे गूगल लेंस में स्कैन करके आपको पता चलती है कि ये वॉच कौन सी वाली है, जैसे ये एप्पल वॉच सीरीज एसई है तो ऐसे आपको पता चल जाता है कि वो कौन सा वॉच है। तो ऐसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो सिर्फ इनको पता चल रहा है कि कौन सा वॉच है, नॉट आपका वॉच का फोटो चला जा रहा है, तो इनको पता चल रहा है कि कौन सा वॉच है एंड वो पता चल रही है गूगल को सॉरी व्हाट्सएप को या फिर फेसबुक को, कुछ भी आप बोलो व्हाट्सएप और फेसबुक एक ही बात है। तो फेसबुक को पता चल रही है कि क्या फोटो है उसमें तो और वो वाला डेटा कि मतलब वो कौन सी वॉच है तो वो पता चल रहा है अमेजोन को वो डेटा बेच रही है कि आपको देखो ये वाला प्रोडक्ट है ये आप इधर दिखाओ या क्यों आपको देखो आपका ऐसा चांस है कि आपके ये प्रोडक्ट बिक जाए। अब अगर आपके प्रोडक्ट बिक रही है तो इस प्रोडक्ट का 15% हम लोग ले लेंगे एंड अभी हमारा फेसबुक में आप लिस्टिंग कर सकते हैं और इस लिस्टिंग के लिए हम लोग आपसे चार्ज करेंगे सिर्फ ₹100। आप इसका फोन में ऐसा डाल दो, ₹100 हमको दे दो हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अमेजोन का भी इजी हो जाता है चीजों को बेचना, फेसबुक का भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे ₹100 नहीं होता है, ₹1 2 रुपया होता है, तो ₹1 2 रुपया करके लाखों रुपया कमा लेती है फेसबुक, लाखों क्या करोड़ों। मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है अंडर 13 ईयर्स, मतलब 13 ईयर्स के ऊपर में सबका है, या मेरा दादाजी का भी है फेसबुक का अकाउंट। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे होता है डेटा का सर्कुलेशन, डेटा का रेगुलेशन, और इस बारे में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी है कि आपका प्राइवेसी को ये लोग रेस्पेक्ट नहीं करते। डेफिनेटली इनका प्राइवेसी रेस्पेक्ट करते हैं आपका एंड आपका जो भी डेटा है वो लोग कभी नहीं पढ़ते, कोई भी व्हाट्सएप का बंदा यूज नहीं करता। अगर गवर्नमेंट से ऐसे कहा गया व्हाट्सएप को कि यार ये वाला चीज निकाल दो ये हमारे लिए ऐसे हार्मफुल हो सकती है, जैसे व्हाट्सएप को अगर हम लोग रिपोर्ट करते हैं तब ही व्हाट्सएप उसको अलग से रख देती है। अब अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी व्हाट्सएप के पास आती है इस वाले कॉन्टेक्ट का निकालने के लिए तभी निकाल देगा, अगर कोई भी रिपोर्ट नहीं किया तो तब कभी भी नहीं निकालेगा कोई गवर्नमेंट भी हो किसी का सुन के। तो अब आपने रिपोर्ट किया अपने दोस्त के बारे में मतलब दोस्त किया फ्रॉड मतलब फ्रॉडिया इंसान के बारे में आपने रिपोर्ट किया, उसके बाद पुलिस तक गए गवर्नमेंट अथॉरिटीज से मतलब जो साइबर क्राइम अथॉरिटीज है उनसे व्हाट्सएप तक आया गया
एंड वो व्हाट्सएप से बोला कि ये इस बंदे के नाम पे एक रिपोर्ट ऑलरेडी आपके पास है, तो ये वाला रिपोर्ट से आप हमको निकाल दो इनका डेटा, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अब उनका चैट्स कभी भी लीक नहीं हो सकती, मतलब अगर आप चाहते हो, मतलब आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो आप तभी दिखा सकते हो, बट व्हाट्सएप कभी भी उनका चैट नहीं दिखा सकते या आपका चैट नहीं दिखा सकता। तो व्हाट्सएप क्या करती है, व्हाट्सएप उनका लोकेशन हमारा गवर्नमेंट अथॉरिटीज को या साइबर क्राइम अथॉरिटीज को दे देती है। बस इतना सा सिंपल सा चीज है और इस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया व्हाट्सएप क्यों आपका डेटा लेती है, कैसे रेगुलेट करती है और किस लिए यूज करती है। अब देखो एकदम इनकम की सोर्स ही यह व्हाट्सएप है ही, बट व्हाट्सएप सेम टू सेम आपके लिए पूरा फुल्ली प्रोटेक्टेड है, सो यू कैन बी कंप्लीटली क्या बोलते हैं कंप्लीटली ऐसे मतलब सेफ फील कर सकते हो व्हाट्सएप की यूज करते हुए। फेसबुक एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है एंड कभी भी ऐसे बिना कुछ सोच के स्टेप नहीं लेगी, सो डेफिनेटली यू कैन बी कंप्लीटली फ्री टू ट्रस्ट ऑन व्हाट्सएप एंड द होल फेसबुक ब्रांड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक द ज्ञान सो डेफिनेटली हिट अ लाइक एंड आई लव योर कमेंट, सो प्लीज कमेंट कर दो यार प्लीज, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आती है। एंड अगर इस चैनल पे नए हो, पता है शायद आप नए ही होंगे, तो डेफिनेटली यार प्लीज ये सब्सक्राइब का जो बटन है दबा दो, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज कंटेंट, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।